A is a set containing n elements. A subset P of A is 2. एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, उससे उसका एक सबसेट हमने सेलेक्ट कर लिया, उस सबसेट का नाम है P. The set A is reconstructed by replacing the element of P. मान लीजिए सेट A में 1 से लेके n तक एलिमेंट है, फॉर और आपने P में लिया केवल 1 ही ले लिया, तो अब जो A नया सेट बचेगा वो 2 से n तक है, तो हमने 1 को फिर से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये पुराना सेट फिर से आ गया. अगेन अ सबसेट Q ऑफ A इज अगेन चोजन. फिर आप एक सबसेट ले रहे हैं, मान लीजिए क्यों हो गए वो एलिमेंट है 1, तो आपको ये निकालना है द नंबर ऑफ रेज ऑफ चूजिंग P एंड Q सच दैट P इंटरसेक्शन Q इज 5, मतलब दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं. अब देखो ना, हम एक क्वेश्चन में ये भी कंडीशन सेट P या सेट Q नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं. मान लीजिए सेट P में एक नंबर ऑफ एलिमेंट है, या फिर हम ऐसा बोल दे एक भी नहीं है, और दोनों का इंटरसेक्शन फाइ आने का एक ही तरीका है कि दोनों में आप कुछ भी सेलेक्ट कर, वो भी एक A का सबसेट होगा. तो देखो N में से आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना सेट P के लिए भी और सेट Q, तो वो तरीका हो गया N P 0 into N. अब आपने सेट P में एक एलिमेंट लिया है तो N में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो N C 1 तरीके से. अब सेट Q के लिए देखिए, या तो अगर P इंटरसेक्शन Q फाइ होना है तो ऐसा होता है सेट Q में एक भी एलिमेंट ना हो और सेट P में एक एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइ, तो क्या करो आप N C क्लियर में से एक भी मत करो. अगर एक एलिमेंट आप रख रहे हो तो वो एलिमेंट नहीं रख सकते जो P में है, तो N माइनस 1 C 1 बोल दे क्या, वो हो जाएगा N माइनस 1 C 1. या फिर आप दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, दो एलिमेंट हम कौन से करेंगे, क्योंकि तो जैसे मान लीजिए P में मैंने 1 ले लिया तो 2 से लेके N तक में से भी दो एलिमेंट माइनस यस देन विल बी सॉरी N माइनस 1 C नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो N माइनस 1 ही है, माइनस 1 C एंड अप टू N माइनस 1 C N माइनस क्लियर. या फिर क्या हो सकता है, P में आपने दो एलिमेंट लिए N C से, Q में अब आप या तो एक भी एलिमेंट मत लो तो N C जो बोल दिया, या आप इसे N माइनस 2 जो भी बोल सकते हो कि आपने उन दो को तो हटा ही दिया P में, अब वो Q में आएंगे नहीं, बचे हुए N माइनस आपने एक दिया, फिर हम बोल देंगे N माइनस 2 1 N माइनस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा माइनस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा. तो देखो ये एन सी जीरो बन रहा है, एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो एन सी जीरो प्लस एन सी वन, ये आपका एन सी जीरो से एन माइनस वन सी जीरो से एन माइनस वन सी एन माइनस वन बन, जैसे टू के पार एन माइनस वन बोल सकते हैं, एन सी जीरो को एन माइनस वन सी तो बोल दो सेम बात है, एन सी टू इंटू ये बन जाएगा टू के पार एन माइनस टू एंड सो. तो ये पूरा आपका क्या बन गया, 1 प्लस 2 की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, यानी ये पूरा बन जाएगा आपके पास 3 रेस टू द पावर n. ऑप्शन डी विल बी